श्री गणेशाय नमः। मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसी ही उसकी बुद्धि हो जाती है। यह अपने भाली प्रकार सुना होगा, सात्विक अन्न खाने से सात्विक, राजसिक और तामसिक अन्न खाने से बुद्धि भी राजसिक और तामसिक हो जाती है। जो साधक अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हैं उन्हें सात्विक तथा ईमानदारी से प्राप्त खाने का ही भोजन करना चाहिए। दुख सुख और बंधन मुक्ति का यही कारण है। अस्वस्थ मन से ही चिंता, निराशा, शोक, दुख, कलह, काम, कलेश, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, लाभ, दुर्भावनाओं उत्पन्न होती है। स्वस्थ मन इन वर्तियों के लिए बंजर भूमि ही सिद्ध होता है और इनके लिए आहार की आंतरिक पवित्रता बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में और दैनिक राशिफल के आज के नए एपिसोड में। आज मैं सबसे पहले उन सभी को बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका आज जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, विशेष यादगार सफलता का दिन है और जिनकी आज शादी है। आज सबसे पहले मैं आपको ग्रह स्थिति बता देता हूं क्या रहने वाली है 27 फरवरी के दिन। तो चंद्रमा मीन राशि में विराजमान है, राहु मिथुन राशि में, मंगल गुरु और केतु एक साथ में धनु राशि में विराजमान है। वहीं पर शनि मकर राशि में आज के दिन विराजमान है, बुध और सूर्य कुंभ राशि में तथा शुक्र मीन राशि में विराजमान है। तो आज चंद्रमा मीन राशि में विराजमान होने के कारण किन राशियों के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ साबित हो सकता है। तो शुभ फल प्राप्त करने वाली राशियों के नाम है वृष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मकर राशि और मीन राशि। इन ग्रह स्थितियों के संदर्भ में आप भी सोच रहे होंगे और मैं भी बताना चाहता हूं किस तरीके से बीतने वाला है आपके लिए, मेरे लिए और हम सभी के लिए 27 फरवरी का राशिफल। शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि यानी कि मेष राशि से। तो आज आपकी राशि से 12th हाउस में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं जिसके चलते आज का दिन आपके लिए अत्यंत संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव और चैलेंजिंग होगा। आज आपको कोई पुरानी बीमारी के कारण प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। वहीं पे आज आपको महसूस हो सकता है कि ऑफिस के अंदर ही नहीं बल्कि परिवार में भी आपको अनदेखा किया जा रहा है, आपकी इंपॉर्टेंस आपसे छीनी जा रही है। जहाँ पे आप जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और अच्छा आइडिया देना चाहते थे पर कोई सामने एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है या कहीं जगहों पे तो सुनने को ही तैयार नहीं है। संबंध आपके मन में चल रहे हैं तनावों से आज के दिन प्रॉब्लम में आ सकते हैं। बिना बात कुछ भी ज़्यादा सोच सोच करके आप अपने आप की हालत भी खराब करें, अपना स्वास्थ्य भी खराब करें और वहीं पर जो सामने रिश्ते हैं उनको भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जो आपके साथ में हो रहा है वही आप दूसरों के साथ में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी भावनाओं को नियंत्रण में लाने की ज़रूरत है, अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और आसपास में देखिए कि कहीं पे अगर दुख मिल रहा है तो वहीं पे सुख भी मिल रहा है। उस सुख को जीने की कोशिश कीजिए, उस दुख को भुलाने की कोशिश कीजिए। पैसों का नुकसान आज के दिन आपको देखने को मिल सकता है, वहीं पे स्वास्थ्य भी थोड़ा कमज़ोर बना रहेगा। स्वास्थ्य मोस्ट प्रॉबेबली हो सकता है कि मौसम से प्रभावित हो। आज के लिए आपका लकी रंग है हरा और आपका लकी नंबर है नंबर 5। अब बात करते हैं वृष राशि की। तो आज आपकी राशि से एकादश भाव में चंद्रमा स्थित है जिसके चलते आज आपको हर दिशा में सफलता मिलने वाली है। बस अपना जो पर्सपेक्टिव है उसे पॉजिटिव रखना है, अच्छी चीज़ें सोचनी है, जहाँ पे पहुँचना है जो गोल है आपका उसके बारे में सोचना शुरू करना है। बिना बात की आलतू फालतू बातों में अपने दिमाग को लगा करके अपने समय को व्यर्थ नहीं करना है। दूसरों की ज़रूरतों को और उनकी एक्सपेक्टेशंस का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज आपको कुछ चैलेंजेस भी अपने आप सामने आते रहेंगे पर उनसे निपटने का आपको कोई ना कोई सरल तरीका मिलता रहेगा। जो भी होगा आपके लिए आज के दिन अच्छा ही साबित होने वाला है। आज आपकी पारिवारिक स्थितियों में भी यानी कि फैमिली सिचुएशन में भी कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नौकरी में आज आपको कोई बड़ी सफलता मिलेगी। वहीं पर स्वास्थ्य दिन भर बहुत ही अच्छा बना रहेगा, बहुत मोटिवेटेड और एनर्जेटिक आप फील करेंगे। अब स्टूडेंट्स के लिए यानी कि विद्यार्थी जो हुए उनके लिए आज अगर कोई भी एग्ज़ाम है या तो फिर कोई भी कंपटीशन है तो उसमें बहुत ही अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। बस ज़रूरत है तो आपकी तरफ से फोकस की और हार्डवर्क की तो सफलता अपने आप खींची दौड़ी आपकी तरफ चली आएगी। आमदनी भी आज के दिन जो नौकरी पेशा है और व्यवसायी हैं दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा उत्तम बनी रहेगी। दूसरों के साथ अपनी भावनाओं को शेयर करने के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो मन में घुट रहा है, जो मन में इतने समय से आप दबा करके बैठे हैं, कोई भी चिंता है या तो फिर कोई भी ऐसी बात है जो बुरी लगी है पर उसे शेयर करने से अभी तक घबरा रहे थे या शर्मा रहे थे तो वो आज आप कर सकते हैं आराम से।
खुल करके कीजिए, जो भी मन का बहास है उसको बाहर डालिए, लोग अपने आप उसको समझेंगे और आपकी सहायता करेंगे। आज प्यार के विषय में शांत रहना, थोड़ा पेशेंट रहना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे पुराने, सबसे अधिक जो विश्वसनीय दोस्त हैं आपके, बहुत ही ज़्यादा अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, उनके साथ आज बैठना, उनके साथ में समय व्यतीत करना आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा पसंद आएगा। आज आपको अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ कुछ अच्छे समय भी बिताने को मिलेंगे, कुछ अच्छे मौके मिलेंगे। चाहे मूवी जाकर के बैठना है उनके साथ में, शांत वातावरण में कहीं पे जाकर के बस उनका चेहरा देख करके मुस्कुराते रहना है, तो वो भी अपने आप में बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। बस उनके पास में होना ही, अपने लाइफ पार्टनर के और बच्चों के साथ में होने तक से आपका मूड अपने आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी रंग है सिल्वर, आपका लकी नंबर है नंबर 2। बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आज आपकी राशि से 10th हाउस में चंद्रमा स्थित है, जिसके चलते आज के दिन आप अपने काम में खोए रहेंगे, मग्न रहेंगे, मेंटल एनर्जी जबरदस्त रहने वाली है, वहीं पे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आज चरम पर है। जो बोलते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, जिस टोन में बोलते हैं, बस वो अपना आज कमाल दिखाएगी आपको। कैसे लोगों का दिल जीत लेते हैं आप और कैसे उनको इम्प्रेस कर देते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। अपने आप, आपके मुख से कुछ भी निकला हुआ, चाहे दोहा हो, चाहे संगीत हो, चाहे काम की बात हो, पर सामने वाले को अपने आप मुक्त कर बैठेगी। वहीं पे आज अपने पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बिजनेस पार्टनर से जो चाहिए है उसका इजहार कीजिए। चाहे लाइफ पार्टनर से है तो प्रेम चाहिए तो उसका इजहार कीजिए, खुल के इजहार कीजिए कि क्या आपको ज़िंदगी में चाहिए, उनका साथ चाहिए है, उनकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो उन्हें खुल करके बताइए। वहीं पे पार्टनर से, अपने बिजनेस पार्टनर से आपको अगर मुनाफा चाहिए, अगर काम खराब हो रहा है, सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो उनको बताइए और निकलने का तरीका भी बताइए। सिर्फ प्रॉब्लम शेयर करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, प्रॉब्लम के लिए सही सॉल्यूशन भी आपको ही निकाल करके देना होगा। वहीं पे आज आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आपको बेहतर देखने को मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वहीं पे स्टूडेंट्स को आज के दिन ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपका आत्मबल बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहने वाला है। वहीं पे परिवार का साथ मिला तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना सामने आ जाए, उस पहाड़ को तोड़ के, चीर के आप आगे निकल जाएंगे। आज आपके विरोधी आपके कर्मों से हार जाएंगे, सिर्फ इस देखने भर से कि आप किस तरीके से काम करते हैं उतने तक से वो पीछे हट जाएंगे। ये सोचेंगे कि आपके अंदर जितनी लग्न है, जितना काम करने का अच्छा तरीका है और जो प्लानिंग है, वो शायद इस जीवन में उनके पास में आ भी नहीं सकती, इतना से सोच करके वो अपने आप आपका रास्ता छोड़ बैठेंगे। वहीं पर साथी के प्रति आप समर्पित रहेंगे। आज के लिए आपका लकी रंग है रेड और आपका लकी नंबर है नंबर 2। बात करते हैं कर्क राशि की। तो आज आपकी राशि से नवम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते आज आप थोड़े सामाजिक रहें तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा एनर्जी महसूस करेंगे अपने आप के अंदर, एनर्जी फ्लो अच्छा रहेगा। दिमाग में 100 तरह के ख्याल आपके आ रहे हैं, पर इन 100 ख्यालों में से सब में खोने की ज़रूरत आज नहीं है। साथी को लेकर ज़्यादा आज इमोशनल नहीं होना है, क्या बोल दिया है, क्या कर दिया है, उसको लेकर के ज़्यादा इमोशनल होकर के अपने रिश्ते में खराब समय देखना पड़ सकता है। तो जो कर रहे हैं सामने वाला, अगर आपका लाइफ पार्टनर जो भी बोल रहा है, जो भी कर रहा है, बस ये समझिए कि बुरा समय है, बुरा समय व्यतीत करने के लिए चुप शांत रहना ही पड़ेगा। बस इस समय को गुजार लीजिए और अपने आप चुटकी भर में आप देखेंगे कैसे ज़िंदगी वापस पलट करके खुशी के दिन आते हैं। आज के दिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेवजह खर्चों से आपको बचना, जिसके चलते अगर आप सही तरीके से खर्च नहीं करते हैं तो फाइनेंशियल ट्रबल भी देखनी पड़ेगी, वहीं पे अपने नींद से भी हाथ खो बैठेंगे। बार बार दिमाग में यही चल रहा होगा, पैसे थे तो मेरे पास में पर मैंने ऐसे खर्च क्यों कर दिए, तो ऐसी चीज़ें दिमाग में घूमती रह जाएगी, जिसकी वजह से अनिद्रा के शिकार भी हो जाएंगे। आज आपके पास काम बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, स्ट्रेस में भी रहने वाले हैं, पर एक बात की ध्यान रखनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिना बात के आलोचना के शिकार हो सकते हैं, वरना सावधान रहें और पॉजिटिव सोचें। मन की परेशानी रिश्तों पर भी हावी हो सकती है आज के दिन, वहीं पे वाद विवाद से आज खुद को बचाने की ज़रूरत है। चाहे होता है, कई बार देखा है मैंने, वाद विवाद हमने स्टार्ट नहीं किया है, जैसे आप है वैसे मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ फेस करता हूँ, तो कई बार देखता हूँ मैं एकदम सही तरीके से चल रहा हूँ पर सामने से अपने आप आकर के प्रॉब्लम मेरी तरफ आई है, अपने आप कोई झगड़ा करने को आ रहा है, कोई अपनी परेशानी ऐसी लेकर के आया कि नहीं ये आपने क्यों किया है। आप जानते हैं कि आप इसके अंदर गलत नहीं हैं, तो उसको, सिचुएशन को हैंडल करना सीखना पड़ेगा आपको।
बिना बात के विवादों में पड़ के खराब तरीके से बोल के सिचुएशन को और खराब नहीं करना है, शांत रह के उस चीज को कंट्रोल करना है। चाहे खुद को दो बातें खरी खोटी सुननी पड़ जाए, पर ध्यान रखिएगा समय है। समय अगर खराब है तो उसके अंदर अपने आप कोई ना कोई जरिया मिल ही जाता है खराब होने के लिए। बस अपने आप को शांत बना के रखने की जरूरत है और आगे आने वाले दिनों के अंदर अपने आप सारी चीजें फिर से सही हो जाएंगी। जो वाद विवाद करने आ रहे थे, जो आपको गलत समझ रहे थे, वो अपने आप गलत सिद्ध होकर आपसे माफी मांग लेंगे। आमदनी से ज्यादा खर्च तो होंगे ही आज आपके, वो मैं आपको बता चुका हूं। वहीं पे सेहत का ख्याल रखना आज बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना बिना बात के कमजोरी आपको दिखनी पड़ सकती है। आज के लिए आपका लकी रंग है ऑरेंज और आपका लकी नंबर है नंबर 3। बात करते हैं सिंह राशि की। तो आज आपकी राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं। आज मन दिन भर अस्त व्यस्त बना रहेगा। आज आपको कुछ चैलेंजेस से निपटना भी पड़ सकता है। वहीं पे कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेना पड़ सकता है। अपने आप को जितना हो सके टेंशन से दूर रखने की कोशिश कीजिएगा। एक नॉर्मल सा सिद्धांत अपनाइएगा, अगर मैं सही कर सकता हूं तो सही कर दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर सही नहीं कर सकता हूं, तो अगर मेरे हाथों से सही हो ही नहीं पाएगा, तो उसके लिए मैं टेंशन लेके खुद की तबीयत को और खराब क्यों करूं। इस बात को, इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अपने आप काफी चीजों के सॉल्यूशन आपको सामने ऐसे ही मिल जाएंगे। अगर सही कर सकते हैं तो टेंशन लेकर के अपने आप को अनिद्रा का शिकार नहीं बनाना है, ज्यादा टेंशन लेकर के खुद के हेल्थ को खराब नहीं करना है। आज के दिन काफी पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं आपको कोई ना कोई मामले सुलझाने के लिए। हो सकता है कोई केस चल रहा हो या तो फिर कहीं पर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई फाइन था, तो उसके लिए आज पैसे खर्च करने पड़ेंगे ही आपको। वहीं पे इमोशनल होके एंगर नहीं दिखाना है किसी को। इमोशनल होकर के किसी पे ज्यादा क्रोध कर बैठेंगे तो बिना बात के सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है। वहीं पे परिवार को देखा जाए तो आज कुछ विवाद उनके साथ में भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसी बातें हो जाए जो उनको पसंद ना आए या आपको पसंद ना आए, तो जिसके चलते बिना बात वाद विवाद की सिचुएशन घर में खड़ी हो जाए। आपको परेशानी में भी डाल सकते हैं आज के दिन आपके परिवार वाले। हो सकता है कोई आपको अच्छा नहीं चाहता है, कोई आपका भला नहीं चाहता है, तो बिना बात, ये जरूरी नहीं है कि परिवार की जब बात करते हैं तो क्लोज रिलेटिव्स, माता पिता भाई बहन ही आते हैं। परिवार बहुत ही बड़ा होता है तो उसके अंदर कोई ना कोई तो ऐसे होते ही हैं जो आपकी सफलता देखना नहीं चाहते, तो वो आज आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी रंग है ब्लैक और आपका लकी नंबर है नंबर 7। बात करते हैं कन्या राशि की। तो आज आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते आज आपका दिन शुभ रहने वाला है। मित्रों के साथ रिश्ते पहले से बेहतर बनेंगे। वहीं पे घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन आज आप करवा सकते हैं। आपके बच्चों को करियर में कोई बड़ी सफलता भी मिल सकती है, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो। आपको किसी काम से अच्छा लाभ भी मिल सकता है आज के दिन। बस जरूरत है तो आंखें खुली रखने की, अपॉर्चुनिटीज को देखने की। अगर आप कोई नई नौकरी कर रहे हैं या नई नौकरी की तलाश में है, तो आज वो भी मिलेगी। पर ये जो जॉब मिलेगी, ये मिलेगी आपके भाई बहनों की मदद से। आपको काम दूसरों की कोशिश से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जो दूसरे जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश करनी है आपको, ताकि उनकी गुड बुक्स में आ सकें, ताकि वो आपको सराह सकें, आपकी जो पोटेंशियल है उसको जान सकें सामने वाले कि ओके, अगर इनको रखा है जॉब पर या तो फिर बिजनेस में, तो ये क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ने का रीज़न क्या है, आज वो लोगों को मालूम चलना चाहिए। उचित समय की पहचान आपको करनी अवश्य पड़ेगी। वहीं पे सही समय पर किया कार्य आपको सफलता दिलवाएगा। परिवार में भी स्थिति आज के दिन ठीक ठाक बनी रहेगी। आपके दोस्त आपको कोई काम करने के लिए कह सकते हैं, जिससे मुंह नहीं मोड़ना है। जितना सामने वालों ने मदद की उतनी सामने वाले की फिर से मदद तो करनी ही पड़ेगी, जो आपके करियर के लिए वापस से लाभदायक साबित हो सकती है। घर में किसी रिश्तेदार के आने की संभावना आज के दिन बन रही है। वहीं पे आज के लिए आपका लकी रंग है ब्राउन और आपका लकी नंबर है नंबर 6। बात करते हैं तुला राशि की। तो आज आपकी राशि से षष्ठम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते आज आपकी ऊर्जा चरम पर रहने वाली है। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी बनी रहेगी आप में। कोई पार्ट टाइम काम मिल सकता है और जिससे शुरू में आप इनकार कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा रोचक लग सकती है वही अपॉर्चुनिटी। आज आपके जीवन में कोई छोटी सी लेकिन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ या पॉजिटिव इंसिडेंट घट सकता है, जो आपको सोचने का तरीका बदल करके रख सकता है। वहीं पे आपका पार्टनर जो है, लाइफ पार्टनर है,
या तो फिर लव इंटरेस्ट है, वो बहुत ही सुखी और प्रसन्नतापूर्ण रहने वाला है आज के दिन। कार्यक्षेत्र में आज आपको कोई पुरस्कार भी दे सकते हैं और ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है कि प्रमोशन या तो फिर इंसेंटिव अच्छा मिल जाए। वहीं पे जीवन साथी से इस तरह व्यक्त करेंगे आज के दिन आप अपना प्रेम कि आपका साथी आप पर मुग्ध हो बैठे। अच्छा धन लाभ देखने को मिलेगा। वहीं पे स्वास्थ्य दिन भर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना रहेगा। आज के दिन आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है और ये जो यात्रा आने वाली है अचानक से आएगी आपके सामने आउट ऑफ द ब्लू। आपने सोचा भी नहीं था और अचानक से ऐसी कोई चीज़ हो गई या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी सामने प्रस्तुत हो गई है जिसके लिए वहाँ पे जाना ज़रूरी हो ही जाएगा। आज के लिए आपका लकी रंग है मजेंटा और आपका लकी नंबर है नंबर 6। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आज आपकी राशि से पंचम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं। आपके स्वास्थ्य से संबंधित सभी लक्ष्य आज लाभकारी सिद्ध होंगे। वहीं पे पर्याप्त शारीरिक एक्सरसाइज करने का आपको ज़रूर प्रयास करना चाहिए। एनर्जी और आशावादी आज के दिन आप महसूस करेंगे। भावनात्मक उत्साह और संतुष्टि आज के दिन की आपकी हाइलाइट्स बनेंगी। प्यार पाने और प्यार करने की आज चाहत आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा उभर करके सामने आएगी। यदि आप किसी के सामने प्रेम का प्रस्ताव भी रखना चाहते हैं या ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे थे किसी को प्रपोज करने की या तो फिर ऑलरेडी जिनके साथ में रिलेशनशिप में उस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने की, तो वो भी आज के दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। हो सकता है बहुत समय से किसी के दोस्त हैं और अब आप चाहते हैं कि दोस्ती दोस्ती ना रहे पर एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो, तो ऐसा आज अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर संभव है। ये समय अपने आप को तनावों से मुक्त करने का और मित्रों के साथ अच्छा समय बिताने का है। आपको अतीत में कोई भी की गई बहुत ही ज़्यादा मेहनत जो थी, जो आपको उसका रिजल्ट चाहिए था, बहुत समय से नहीं मिल पा रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि कर्म कर और दरिया में डाल, उस तरीके सिचुएशन चल रही थी, तो वो भी आज आपको देखने को मिलेगा कि उसका अवार्ड या रिवॉर्ड की सिचुएशन सामने आ जाए। आपने जो काम किया था वो पानी में बहाना नहीं पड़ा है, अपने आप सामने वाले ने उस चीज़ को देखा भी है, उस चीज़ को सराहा भी है, तो आज उसका रिवॉर्ड मिल सकता है। आज के दिन यहीं पे अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी देखने को मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी रंग है वाइट और आपका लकी नंबर है नंबर 3। बात करते हैं धनु राशि की। तो आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं। आपकी जो ऊर्जा है और आपका जो प्यार है दूसरों के लिए, वो सबको प्रेरित कर सकता है और मोटिवेट कर सकता है काम करने के लिए या तो फिर जो आप चाहते हैं वो करने के लिए। आपको वैवाहिक मामलों में सुख और आनंद आज के दिन प्राप्त होने वाला है। वहीं पे आप अपने जीवन साथी के साथ एक खूबसूरत रिश्ते का आनंद उठा पाएंगे। आज अपने प्रिय के समक्ष दिल खोलकर प्यार का इजहार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है। आपने अब तक जितनी कड़ी मेहनत की है उन सब का पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को सही समय पर मिलने वाला है। आवश्यक हो तो यात्रा करें वरना टकराव को विकसित न होने दें और चीज़ें हाथ से बाहर निकल जाए ऐसी सिचुएशन देखते ही कंट्रोल करने की कोशिश कर लें। अपने गुस्से पर भी आज के दिन कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। वहीं पे बिजनेसमैन जो हैं अब अपने विस्तार की योजना यानी कि एक्सपेंशन की जो प्लानिंग्स है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। कभी भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक फील्ड में काम करने से इंसान बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा बनने के लिए बहुत जगहों पर हाथ रखने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे ही देखेंगे, भारत के अंदर ही देख लीजिए, जो टॉप 10 बिजनेसमैन हैं, तो टॉप 10 बिजनेसमैन का बिजनेस सिर्फ एक नहीं है, ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है। वो एक बार में सिर्फ एक काम नहीं करते हैं, अनेकों काम करते हैं, अनेकों जगहों से कमाते हैं, तभी वो सबसे टॉप पर है। तो ऐसा ही कुछ आपको भी प्लानिंग करने की ज़रूरत है। जिसको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है उसको ऐसी प्लानिंग ज़रूर करने की ज़रूरत है। आज भाग्यशाली तो आप ज़रूर महसूस कर ही रहे हैं। वहीं पे जो भी प्लानिंग शुरू करने वाले हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या तो फिर अपनी जॉब के अंदर प्रमोशन के लिए, तो दोनों ही आपके लिए आज के दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है। आज के लिए आपका लकी रंग है ऑरेंज और आपका लकी नंबर है नंबर 7। बात करते हैं मकर राशि की। तो आज आपकी राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा स्थित है, जिसके चलते आज आप धन की बचत कर पाने में सफल रहेंगे, रुपये संजो के रखने में सफल रहेंगे। आज आप नया वाहन, घर या कोई अन्य प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वहीं पर रिश्तेदार आपसे आर्थिक सहायता की उम्मीद करेंगे और आप उनकी उम्मीद पर खरे भी उतरेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इन्वेस्ट करना खर्च नहीं होता। जब कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है तो उसके साथ में एक नॉर्मल सा प्रिंसिपल्स वापस ऐड होता है कि जो इन्वेस्ट किया है वो वापस मेरे पास में आएगा और मल्टीप्लाई होकर आएगा, तो इसे कभी खर्चा नहीं मानना चाहिए। यहीं पर जब उधारी भी दी जाती है तो इंटरेस्ट के साथ में वापस ली जाती है, इसके लिए ये खर्चे नहीं सिद्ध होंगे। आज आपकी नौकरी में कोई भी
ट्रांसफर आपको मिल सकता है, और ऐसी जगह पे ट्रांसफर मिल सकता है जहां पे आप चाहते थे, या तो फिर आप कहीं ऐसी जगह पे ट्रांसफर चाहते थे, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में ट्रांसफर चाहते थे, या तो फिर मेट्रो सिटी में चाहते थे, छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ मूव होना चाहते थे जहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले, तो ऐसा आज आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पे ऑफिस में सीनियर्स के सहयोग से आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ने को मिल सकती है, लेकिन अपने ऑफिस में या तो फिर जहां पे आप काम करते हैं वहां पे आज विरोधियों से बच करके रहना है। जहां पे किसी का सपोर्ट मिल रहा है वहीं पे कोई अपना सपोर्ट पीछे खींचने की भी कोशिश कर सकता है, कोई आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकता है, आपके अगेंस्ट में षड्यंत्र करने की कोशिश कर सकता है, तो उसके लिए आंख खुली रखनी है। आज के दिन वहीं पे बिजी बहुत ज़्यादा रहने वाले अपने कामों को लेकर के, तो इसकी वजह से बहुत ही कम समय मिलेगा आसपास में दूसरे लोगों पर ध्यान रखने का और अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत करने का। अगर पैतृक संपत्ति यानी कि पैरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी बातचीत चल रही थी तो वो भी आज अपने आप दूर हट जाएगी। हो सकता है जो प्रॉब्लम चल रही थी उससे आप और जो आसपास में दूसरे लोग थे जो उस प्रॉब्लम के साथ में उस प्रॉब्लम का जड़ थे वो अपने आप पीछे हो जाएं, या तो फिर पेरेंट्स खुद बोल दें कि अभी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होने वाली है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आप सबके बीच में, तो अपने आप इससे प्रॉब्लम भी सॉल्व आउट हो जाएगी और थोड़ा समय भी मिल जाएगा। संतान की ओर से आपको कोई शुभ समाचार आज के दिन प्राप्त हो सकते हैं। वहीं पे आपके लव पार्टनर का आज आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलने वाला है, पूरा कॉपरेशन मिलने वाला है। आज के लिए आपका लकी रंग है रेड और आपका लकी नंबर है नंबर 9। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आज आपकी राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं। आज आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इससे जो आप ऑफिस के अंदर यूज़ करते हैं या जिस तरीके से ऑफिस में बात करते हैं, जिस तरीके से क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए बात करते हैं, अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए बात करते हैं, उसमें सही तरीके से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को शार्पन करने की ज़रूरत है, पॉलिश करने की ज़रूरत है, तो इससे सक्सेस आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगी और इसी के साथ में आपको नए आइडियाज़ और सीनियर से और ज़्यादा सपोर्ट भी मिल जाएगा। आज आपके माता पिता की सेहत बिगड़ती दिख सकती है आपको, हो सकता है कोई छोटी सी परेशानी हो, पर वो छोटी सी परेशानी भी जब माता पिता को देखने को मिले तो अपने आप को बच्चों को तो बड़ी लगती ही है, तो इसके लिए सही इलाज, सही डॉक्टर और ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। इस समय आप अपने परिवार के साथ किसी वैवाहिक समारोह में भी जा सकते हैं। संतान की शिक्षा और उसके भविष्य को लेकर चिंता से आज कोसों दूर रहेंगे, उनकी जो उपलब्धियाँ हैं आज वो सामने आएंगी और बहुत ही ज़्यादा आपको प्राउड भी फील कराएंगी। आज दिन के बीच में ही रिश्तेदारों से आपके संबंध सुधरते आपको दिखेंगे। हो सकता है कहीं पार्टी में थे या तो फिर किसी की शादी में थे तो काफ़ी समय से एक दूसरे के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी रिश्तेदारों के वो सुलझती दिखे। आज घर पर भी कोई धार्मिक आयोजन आप करवा सकते हैं, हो सकता है यज्ञ हो, पूजा हो। आज के लिए आपका लकी रंग है लाइट ग्रीन और आपका लकी नंबर है नंबर 4। बात करते हैं मीन राशि की, तो आज आपकी राशि से प्रथम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं। आज का दिन आपके लिए अपने परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीतने का है। आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखानी है, अपनी परफॉर्मेंस सामने वालों को दिखानी है और उससे उनको इम्प्रेस कर देना है। लोग आपकी बात सुनेंगे और आप पर भरोसा भी जताएंगे। किसी मामले में आपको अपने बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स जो हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। काम में हड़बड़ी या जल्दबाजी आपको करने से नुकसान उठाना पड़ सकता है, इस बात को ध्यान रखते हुए दिन व्यतीत करना है। जहाँ पे हर किसी का सपोर्ट मिल रहा है, सिचुएशंस अच्छी हैं, तो उसी के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो ज़रूर देखने को मिलती है, तो ये दाल के अंदर कुछ काला जिसको बोला जाता है वो यही है। हड़बड़ी से बचना है, जल्दबाजी में आकर के काम करने से खुद को रोकना है, परफेक्शन भी नहीं होगा और वहीं पे दूसरों के क्रिटिसिज्म भी सहने पड़ सकते हैं। आज नौकरी को भी देखा जाए तो अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस, सबसे बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने की कोशिश करेंगे और वहीं पर आपको सराहा भी जाएगा। घर या काम पर आप काम का बहुत ही ज़्यादा बोझ महसूस कर सकते हैं। घर पे जाएंगे तो घर वालों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड्स या तो फिर घर वालों से बहुत ही ज़्यादा काम करने की अपेक्षा आज परेशान कर सकती हैं। वहीं पे ऑफिस के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज फील कर सकते हैं। और बिना बात आज पुराने और बेकार मुद्दों को खींचना और दूसरों के झगड़े में पड़ने से अपने आप को रोकना है। आज के लिए आपका लकी रंग है लाइट ब्लू और आपका लकी नंबर है नंबर 3। तो ये तो हुआ आज का राशिफल, अब बात आती है एक विशेष उपाय की। तो आज का विशेष उपाय है जो ऐसे लोग हैं जिनके पास में नौकरी नहीं है, उनकी नौकरी के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए। तो अपने सामने एक पीला वस्त्र बिछाकर उस पर 108 मनकों वाला प्राण प्रतिष्ठित स्फटिक माला रख दें। सफ़ेद रंग का सूती आसन बिछाकर
पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाए। उसके पश्चात केसर और वशीकरण इत्र इस माला पर लगा दें और इसका पूजन करें। फिर धूप दीप अगरबत्ती करके उपरोक्त मंत्र का 31 बार उच्चारण करें। इस प्रकार 11 दिन तक ये मंत्र जाप करने से और जो आपको बताए पूजा करने से ये माला वशीकरण माला में परिवर्तित हो जाती है। इसके पश्चात आप जब भी किसी इंटरव्यू पर जाएं तो इस माला को शर्ट के नीचे पहन कर जाएं। ऐसा करने पर आपको इंटरव्यू में सफलता भी प्राप्त होगी और सामने वाला आपकी तरफ मुग्ध भी हो जाएगा। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। मैं फिर से मंत्र आपको बताता हूं, किस तरीके से उच्चारण करना है वो बताता हूं। वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। बस ये उपाय करके देखिए, फिर आप देखिएगा कैसे इंटरव्यू में आपके तारे चमकते हैं और किस तरीके से आपको नौकरी मिलती है। तो ये हुआ आज का विशेष उपाय। इसी के साथ मैं आज्ञा दीजिए, कल फिर डेली राशिफल लेके आऊंगा आप सभी के समक्ष और बतलाऊंगा कैसा रहेगा 28 फरवरी का दिन। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आपका आज का दिन शुभ मंगलमय और सफलताओं से भरा हुआ हो। आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं, धन्यवाद एवं जय हिंद।